अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपके लिए आया हूँ कि फ्री फायर में आप जो है अपनी जो एक ऐसी सेटिंग में आज आपको बताऊंगा जिससे आपके फ़ोन जो है लैग भी नहीं करेगा और आपका जो हेडशॉट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो वैसे मैं आपके लिए कॉन्फ़िग फाइल की वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बताऊँगा। तो चलते हैं अपने फ़ोन में। तो पहले मैं आपको बता चलूँ, बहुत में बात चलेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि इसमें 5 से 6 सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आज वीडियो में। तो आपने उनको बिल्कुल उसी तरह से ही फॉलो करना जिस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा फ़ोन पे, तभी आपका जो हेडशॉट रेट भी बढ़ेगा और आपकी जो है मोबाइल में फ्री फायर लैग भी नहीं करेगी। तो चलते हैं अपने मोबाइल में और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी सेटिंग्स है। तो लेट्स स्टार्टेड। बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके मोबाइल फ़ोन में जो फ्री फायर गेम है, फ्री फायर मैक्स गेम है, वो लैग करता है और उस पर पिंग जो है वो लो हो जाता है और हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गेम जो है लैग करता है और बहुत से प्रॉब्लम आते हैं जिस तरह के आपका फ़ोन वैसे भी रखा था। तो उन लोगों के लिए आज मैं वीडियो ला, तो जिनकी मोबाइल के रैम जिस तरह के मतलब 2 GB, 3 GB, 4 GB रैम है, उनमें उनके मोबाइल में ये लैग करता होगा। और सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने क्या करना है, आपने जो अपने फ़ोन की मेमोरी है उसको आपने 10%, मतलब कि आपकी मोबाइल है उसका मेमोरी है 32 GB, तो उससे आपने 10 GB फ्री रख लेनी है फ्री, क्योंकि मोबाइल में जो जितनी मेमोरी फ्री होगी, जितना कम डेटा होगा उसकी वजह से आपका मोबाइल कम ले करेगा। जो सेकंड स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपने सेटिंग्स में। मैं अपने सेटिंग्स पे चला जाता हूँ। सेटिंग में चले जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अबाउट फ़ोन में चले जाना है। अबाउट फ़ोन में चले जाने के बाद बेस्ट कर्नल वर्जन में चले जाना है। उसके बाद बिल्ड नंबर पे आपने 7 से 8 दफ़ा क्लिक करना है। मैंने पहले ही डेवलपर ऑप्शन इसको कर दिया है, तो आपने भी इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो मैं भी सर्च करता हूँ, जिस तरह की मैंने डेवलपर ऑप्शन सर्च किया तो ये मेरे पास ये डेवलपर ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी जो सेटिंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो सेटिंग क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से भी नीचे आ जाना है, मतलब के स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो गेम आप यूज़ करते हैं, जिस तरह कि आप पबजी भी यूज़ करते हैं उसमें भी लैग करता है, या फिर फ्री फायर में लैग करता है, और या फिर मतलब कि फ्री फायर मैक्स और बहुत सारी गेम है जिनमें आपका जो है गेम लैग करता है उसकी वजह से। तो आपने क्या करना है, जो गेम आपका लैग करता है, जिसमें लैग करता है, तो उसको आपने ढूंढ लेना है। जो मेरे गेम, तो मेरे पास फ्री फायर है, फ्री फायर में लैग करता है, तो मैं फ्री फायर को ढूंढूंगा। उसके बाद इस सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है ये दूसरा सेटिंग भी कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अपने तीसरे सेटिंग के पास। तो तीसरा सेटिंग है वो क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद मैं अभी आपको बताता हूँ, आपने थोड़ा सा नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद ये आपको एनिमेशंस के कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये लिखा हुआ है एनिमेशन स्केल 1x और ट्रांसमिशन, ये एनिमेशन, ये इन पे आपने क्या करना है, इनको आपने कर देना है। मतलब कि जब आप ये सेटिंग आपने तब करनी है जब आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलने से पहले आपने इनको नहीं करना। तो आपने इसको कर देना है ऑफ़ पे, एनिमेशन को ऑफ़ कर देना है, जिस तरह की मैं एनिमेशन को ऑफ़ कर रहा हूँ, ये मैंने एनिमेशन को ऑफ कर दिया। तो ये गेम जब आपने गेम रन करने से पहले करना है, वैसे जब आप वैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो तब आपने इनको ऑफ, मतलब कि 1x पे ही रखना है जो नॉर्मल सेटिंग्स है। तो मैं इनको दोबारा से 1x पे कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपका चौथा सेटिंग वो है स्मॉलेस्ट विड्थ। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, तो इसके अंदर हर मोबाइल के लिए, हर मतलब मेमोरी वाले, हर रैम के लिए अलग अलग स्मॉलेस्ट विड्थ रखी हुई है। तो वो आपने क्या करना है, आपने ना अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना, जो स्मॉलेस्ट है ना वो 360 है, जो मतलब के 3 GB फ़ोन के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना, आपने मतलब के 100, मतलब जिस तरह में 360 है तो मैं भी इसको 460 बढ़ा के चेक करूँगा गेम चला के, मतलब कि हमारी जो हेडशॉट रेट है वो बढ़ता है या फिर नहीं। अगर नहीं बढ़ता तो फिर मैं इसको 550 करूँगा, या फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा ये मेरा ज़्यादा मतलब कि बढ़ गई गेम में, मतलब जल्दी से ट्रैक करता हूँ तो फिर जल्दी से हेडशॉट फायर मतलब कि बुलेट देने लगती है उस बंदे को। तो आपने क्या करना है, कम कर लेना है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आपने इसको चेक करके फिर यूज़ करना है। तो उसके बाद ये भी आपने उस वक्त यूज़ करना है जबकि आप मतलब गेम खेल रहे हो, फ्री फायर की तरह बहुत सारी गेम खेल रहे हो जिनमें आपका लैग करता है, हेडशॉट मारना है आपने। तो चौथा सेटिंग ये है कि आपने क्या करना है, ये जो फोर एक्स MSAA इस पे आपने क्लिक कर देना है, इसको ओपन करना है। इसी को भी तभी ओपन करना है जब आपने ना मतलब कि गेम आप रन कर रहे हो, वैसे आपने इसको भी ओपन नहीं करना है क्योंकि इससे आपका मोबाइल का बैटरी जो जल्दी खत्म होता है, तो इसीलिए आपने इसको जब गेम खेलते वक्त ही ओपन करना है। तो अभी पांचवा सेटिंग मैं आपको बताता हूँ वो आपने क्या करना है। आपने यहाँ से भी जो हमारे मतलब के सेटिंग्स है वो ख़त्म हो गया, बस यहाँ से इतना ही सेटिंग्स था। तो अभी अगला सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप फ्री फायर में मतलब कि हेडशॉट का सेटिंग मैं बताऊँगा अभी आपको, तो अपने हेडशॉट कैसे मारने, तो हेडशॉट के लिए ड्रैग का बटन तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, तो वो तो आपने देखा होगा। तो उसके बारे में मैं सेंसिटिविटी बताने जा रहा हूँ। तो सेंसिटिविटी में आपने क्या करना है, सबको 100 रखना है,
सारों को हैंड्रेड रखना है। हैंड्रेड रखने की वजह से आपका मोबाइल का सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा और गेम का सेंसिटिविटी, इसकी वजह से जो है आपका हेडशॉट रेट भी बढ़ेगा। तो ये सारी की सेटिंग थी। तो अगर आपका इस वर्क करे, तो अगर आपका लैग खत्म हो और हेडशॉट लगे, तो इसको आपने अप्लाई करना जिस तरह मैंने आपको आज बता दिया। पर एक और सेटिंग वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मेन सेटिंग है, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, आपको एंड में बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जो गेम आपको खेलते हो, मतलब फ्री फायर जिस तरह के मैं खोल लेता हूँ, फ्री फायर खेलते हैं इस तरह के, मैंने भी अपनी फ्री फायर गेम खोल ली है। देखिए मेरी फ्री फायर गेम जो अभी इस तरह आ गई, ये मेरी फ्री फायर गेम शो कर रही है। तो आपने क्या करना है, इस पे फ्री फायर गेम पे प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद अभी आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, आई वाला, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये गेम आपने उसी वक्त करना है जब आप गेम रन करने से पहले ही, उसी वक्त ही, मतलब जब गेम रन करो, उसके बाद डिवाइस यूजेज लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्लियर कैची पे करना है, क्लियर डेटा पे नहीं करना, क्लियर कैची पे करना है। क्लियर कैची मैंने अभी इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आप मेरी जो है MB खाली होगी, तो इससे आपका जो है गेम लैग नहीं करेगा। तो इसके बाद आपने जो मैंने जिस तरह आपको मैंने सेटिंग्स बताई, आपने भी इसी तरह अप्लाई करनी है, तभी आपके जो है हेडशॉट भी लगेगी और आपका लैग भी फिक्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हला हाफिज़। यार एक बात तो भूल गया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक करना, बेल के आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।